के तेल प्रमुख उत्पादक केंद्र गुजरात में कच्चे माल की भारी किल्लत की वजह से कई प्लांटों पर फिलहाल रोक लगाने पर विचार विमर्श कर रही है और अगर ऐसा होता है तो मूंगफली की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है वहीं माना जा रहा है कि चीन में सूखा और दक्षिण भारतीय राज्यों में मूंगफली की कम खेती आने वाले सीजन में मूंगफली तेल की कीमतों को बढ़ावा दे सकती है चीन में सूखा पड़ने से भारत समेत अन्य देशों में अधिक मूंगफली आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा दक्षिणी राज्यों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में मॉनसून के मौसम में मूंगफली की बुआई केवल 20 प्रतिशत और कर्नाटक के पिछले वर्ष की तुलना में 35 क्षेत्र में ही हुई है कृषि विभाग के अनुसार गुजरात में मॉनसून के मौसम में मूंगफली की बुआई साल की तुलना में 22 अगस्त तक 2 लाख हेक्टेयर कम है ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर कीमतें फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं और अगर सरकार निर्यात पर रोक लगाती है तो कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है वहीं इंदौर के अंदर मूंगफली तेल सोलह रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति 10 किलो तक देखने को मिल रहा है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी